33, आओ आओ मेरे बेटे, एक नए लेक्चर की शुरुआत करें। लेक्चर 33, क्वेश्चन 33, शॉर्ट नोट 33, डिफरेंस 33, कमेंट 33। तो प्लीज आप सभी रजिस्टर आज दोबारा से ओपन करें और 33rd क्वेश्चन लिखें दोबारा से। ये क्वेश्चन बेटे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का आ गया। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि 50 लेक्चर अगर आप ध्यान से कर लें तो यकीन मानिए आपको सारी थ्योरी उस दिन आती होगी। और 25 फरवरी और 25 अगस्त में आपका झंडा फहराएगा। और मैं यही तो चाहता हूं कि आप उस दिन कयामत वाले दिन, कयामत से कयामत तक, उस दिन आप अपना झंडा फहराओ। कितनी चेहरे में खुशी होगी जरा आप सोचिए तो सही, आपका चेहरा कितना खुश होगा उस दिन। याद आ रहा है वो चेहरा जब आपका ग्रुप वन क्लियर हुआ था, जब आपका फाउंडेशन क्लियर हुआ था, बिल्कुल वैसी खुशी मिलेगी। तो इसीलिए मैंने आपके लिए ही नॉलेज फ्री कर दी और आपके घर तक पहुंच गया। YouTube में लेक्चर्स डाल दिए, है किसी का दम बेटे? थ्योरी नहीं कराते, रिकॉर्डिंग करके अपलोड करना तो बहुत दूर की बात है, अभी सालों साल लग जाएंगे। वो ब्रॉड थिंकिंग सब में नहीं है जो भूपेश आनंद में है। तो मैं आज आपके सामने क्वेश्चन 33 लिख रहा हूं, कॉर्पोरेट री स्ट्रक्चरिंग इज कैरिड आउट। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग इज कैरिड आउट टू मेक अ कंपनी मोर इफेक्टिव। डिस्कस बेटे, ये क्वेश्चन बार बार पेपर्स में आता रहता है। जून दिसंबर कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इसलिए होती है जिससे वो कंपनी इफेक्टिव हो जाए, ये पूछा है। तो आप सभी अगर बुक खोल लें तो मैंने बुक में ये बातें बड़ी प्यारी सी मेंशन की हैं। अगर आप बुक ओपन कर लें तो मैंने जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, और फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा है रीजंस, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। क्या ऑब्जेक्टिव है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, क्यों होती है, कंपनीज क्यों करती है, बीपीएल सैन्यो के साथ, मारुति सुजुकी के साथ, कैल्विनेटर वर्लपूल के साथ, ये सब मिलके काम क्यों करते हैं, एमलगमेशन क्यों होती है, एब्जॉर्प्शन क्यों होती है, ज्वाइंट वेंचर्स क्यों होते हैं, फॉरेन कोलैबोरेशंस क्यों होते हैं, बेटे रीस्ट्रक्चरिंग ही क्यों होती है। कुछ तो कारण होगा जो पूरा ब्रह्मांड रीस्ट्रक्चरिंग में लगा हुआ है। आपको पता है रीस्ट्रक्चर का मतलब है बदलना, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बदलना या बिजनेस ऑपरेशंस को बदलना या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बदलना। आप 11th क्लास से रीस्ट्रक्चरिंग करते आए हो और उस रीस्ट्रक्चरिंग का नाम था फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। जब आप शेयर्स इशू करते थे, आपको पहली बार मैडम ने शेयर्स इशू की एंट्री कराई थी, शेयर एप्लीकेशन मनी की बातें की थी, बेटे उसी दिन से रीस्ट्रक्चरिंग की नींव डल गई थी। ये तो अभी आप फाइनल में जाओगे तो एक थ्योरी का पेपर है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर। मैं भूपेश आनंद आपसे यही कहने जा रहा हूं कि आप ये पहले भी करते थे, हाँ वो बात अलग है, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं बेटे बदलना संसार का नियम है। अगर हम नहीं बदलते, अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट नहीं करते, अपने आप को चेंज नहीं करते, बेटे समय के हिसाब से हर चीज चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है, थॉट्स चेंज हो रही है,
आइडियाज चेंज हो रहे हैं, इतिहास गवाह है, जिस जिसने रीस्ट्रक्चरिंग नहीं की बेटे आज उसका नामो निशान खत्म हो गया। नोकिया टेक्नोलॉजी में रीस्ट्रक्चरिंग नहीं की, मोटोरोला टेक्नोलॉजिकल रीस्ट्रक्चरिंग, ओनिडा कैसे ब्रांड्स से जो आप यूज करते थे आज कहां यूज करते हो बेटे। किंगफिशर एयरलाइन ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस ऑपरेशन रिस्ट्रक्चरिंग नहीं की, गलत तरह का डेट उठा लिया। इतिहास भरा पड़ा है, आपके पास कभी टाइम हो तो गूगल में जाकर एक बार सर्च तो करें कंपनीज डूइंग और डिड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इन इंडिया, तो 10 पेज आ जाएंगे गूगल के। तो आप अपना समय इन ज्ञान वर्धक चीजों में लगाओ, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़ो, मिंट पढ़ो, 100-150 रुपए की एक साल का सब्सक्रिप्शन है यार। आप पता नहीं कहां व्हाट्सएप और एसएमएस की दुनिया में खोए हुए हो, दुनिया कहां जा रही है जाने दो ना भीड़ को उस तरफ, आप अपना काम करो ना। अब आप बताइए, आपने अगर बुक खोल लियो कि व्हाट आर द रीजंस व्हाई कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज कैरिड आउट, इसका मतलब वो आपसे रीजंस, वो आपसे नीड और वो आपसे इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। Reasons, need, importance. Reasons, need, importance. तो मैं वही चीजें लिखूंगा, वही बताऊंगा, आपको पता होनी चाहिए कि भाई उसका क्वेश्चन पूछने का ढंग अलग है, आपको आंसर क्या लिखना है। ये तभी हो सकता है जब आपको पूरा लॉजिक क्लियर हो। तो मैं मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, एक कंपनी दूसरी कंपनी से जॉइंट वेंचर, टेक्निकल कोलैबोरेशन, एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन या और भी किसी भी तरह की संधि करती है, तो बेटे उसके पीछे दोनों कंपनीज को फायदा है। आप खुद सोचिए, जब मैरिज होती है तो मैरिज से पहले लड़के वाले क्या सोचते हैं कि हमें फायदा है क्योंकि हमारी मैरिज लड़की वालों से होगी। और सोचिए जब लड़की वाले होते हैं अभी मैरिज से पहले, लड़की भी और लड़की वाले भी क्या सोचते हैं कि उनको भी फायदा है। बेटे अगर ये दोनों पार्टीज को फायदा ना हो या इनका काम इफेक्टिवली ना चले तो मैरिज ही नहीं होगी। वो तो मैरिज के बाद पता चलता है एक्चुअली में किसका फायदा हुआ और किसका नुकसान हुआ। आप समझ रहे हैं ना, कुछ बातें मैं क्लियरली नहीं बता पाऊंगा लेकिन आप समझ तो रहे। तो मैं आपको यही कहने जा रहा हूं, चाहे वो वेंडर कंपनी हो चाहे वो परचेजिंग कंपनी हो, वेंडर कंपनी भी और परचेजिंग कंपनी भी अगर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में जाती है तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट्स जरूर होंगे, कुछ ना कुछ तो फायदे जरूर होंगे, तभी एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ रिस्ट्रक्चरिंग करती है। तो क्या फायदे हो सकते हैं आप खुद सोचिए। भाई मारुति सुजुकी, तो मारुति को सुजुकी की टेक्निकल कोलैबोरेशन से या संधि से टेक्निकल कॉम्पिटेंस मिल सकती है, एक तो ये फायदा हो सकता है। दूसरा आप बताइए, आपके हिसाब से अगर एक ही काम दो व्यक्ति अलग अलग कर रहे हैं और इकट्ठे होके करें तो बताइए जी इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगे या नहीं। बिल्कुल होंगे, आप जब ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, लेबर कॉस्ट कम आएगी, मटेरियल कॉस्ट कम आएगी और आप पर यूनिट कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाएंगे। कई बार क्या होता है आपकी जो कॉम्पिटेंस है वो अलग है, क्योंकि आपकी कॉम्पिटेंस है आप सामान को बना सकते हैं बट आप बेच नहीं सकते। तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लें, एमलगमेट कर लें जिसकी मार्केटिंग में कॉम्पिटेंस हो, आपकी प्रोडक्शन में कॉम्पिटेंस है, सोने पे सुहागा। बताइए काम इफेक्टिव होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। तो देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स, उसी वजह से जनरली कंपनीज क्या करती है रिस्ट्रक्चरिंग करती है। तो क्वेश्चन क्या था, आइए हम इसके ऊपर थोड़ी सी स्लाइड लिख लें फिर बुक में आएंगे बेटे,
लिखे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज कैरिड आउट टू मेक अ कंपनी मोर इफेक्टिव, उस कंपनी को और इफेक्टिव बनाने के लिए हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। डिस्कस। तो ए पॉइंट है जी, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज कंसर्न्ड विद अरेंजिंग द बिजनेस एक्टिविटीज, अरेंजिंग द बिजनेस एक्टिविटीज सो एज टू अचीव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। बिना किसी ऑब्जेक्टिव के, बिना किसी फायदे के, बिना किसी इंपॉर्टेंस के वो काम हो ही नहीं सकता, वो करेगा ही नहीं। आप भी तो सीएससीएम में कर रहे हैं, अगर आपको इसमें फायदा ना दिखे तो आप क्या करोगे? इसी तरह से आप ऑब्जेक्टिव वन लिखिए रिस्क रिडक्शन। एक और एक 11 होते हैं जी, दो नहीं होते। रिस्क की रिडक्शन होनी शुरू हो जाएगी जब दो मिलके काम करेंगे तो हिम्मत बढ़ेगी। ऑब्जेक्टिव टू डेवलपमेंट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी। मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया, हम सबकी कोर कॉम्पिटेंस होती है। किसी को कोई चीज अच्छी आती है, किसी को कोई चीज अच्छी आती है, किसी को कोई चीज अच्छी आती है। भगवान ने सारे हुनर, सारी स्किल्स बांट दी ताकि हम मिलके काम करें। और बेटे टीम वर्क से लाइफ में ग्रोथ है। तो ऑब्जेक्टिव टू, ऑब्जेक्टिव थ्री, इन्वेस्टिंग सरप्लस कैश, इन्वेस्टिंग सरप्लस कैश। बेटे आपके पास बहुत सारा कैश है तो आपको दिख रहा है एक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी है, और अगर आप उसको खरीद ले तो कैश भी लग जाएगा और आपको भविष्य में उस बेनिफिट का, उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट भी होगा। तो इन्वेस्टिंग कैश फ्रॉम वन बिजनेस टू फाइनेंशियल प्रॉफिटेबल ग्रोथ इन अनदर। ऑब्जेक्टिव फोर, ऑर्डरली रीडायरेक्शन ऑफ फर्म्स एक्टिविटीज। बेटे जो फर्म्स की एक्टिविटीज होती हैं उसको रीडायरेक्ट करना। ऑब्जेक्टिव फाइव, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब आप वही काम लार्ज स्केल में करते हो, मिल के करते हो, एमलगमेशन इन मर्जर का यही तो एक कंसेप्ट है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है। ऑब्जेक्टिव सिक्स, टू इंप्रूव कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, टू इंप्रूव कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। कॉर्पोरेट की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए आप ऑब्जेक्टिव सिक्स के बाद आ जाइए सेवन्थ में, टू फोकस ऑन कोर स्ट्रेंथ। ये तो पहले भी लिख लिया था, फिर भी लिख लीजिए, एंड बेस्ट एलोकेशन ऑफ मैनेजेरियल कैपेबिलिटीज। रतन टाटा, नारायण मूर्ति, सुनील मित्तल, विजय माल्या, बेटे इन सब की कॉम्पिटेंस अलग अलग थी और अगर ये मिल जाए तो सिनर्जी बेनिफिट्स होंगे। तो ये सारी वजह से एक कंपनी की कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के बाद इफेक्टिवनेस आती है, कामकाज बढ़िया होता है, कामकाज में इफेक्टिवनेस आती है, कामकाज में एफिशिएंसी बढ़ती है। और बेटे जब एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी तो कॉस्ट मिनिमाइज होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, सेंटीमेंट्स इंप्रूव होंगे, ईपीएस बढ़ेगी और मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। यही तो ऑब्जेक्टिव है कि रियल वर्थ, वैल्यू, वेल्थ बढ़े। तो दीज आर द बेनिफिट्स। आइए जी बुक खोल लेते हैं एक बार। मैंने ये बातें वैसे बुक में लिखी है, रीजंस। बेटे मसाला तो बहुत दिया है। क्वेश्चन टू, व्हाट आर द रीजंस। बेटे ये रीजंस की वजह से ही आपका कामकाज इफेक्टिव होगा। तो क्वेश्चन लिखा है, व्हाट आर द वेदर आफ्टर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग द कंपनीज विल बी इफेक्टिव। यस, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज रीजंस ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पेज 382 में पढ़ें, अच्छा लगेगा। बेटे बड़ा मसाला दिया है, बहुत सामान दिया है, स्लाइड्स लिखवा दी थी,
बुक से बता दिया, समझा दिया, और तो मैं आपके घर ही आ सकता हूँ, और तो कुछ नहीं हो सकता, या मैं आपकी जगह पेपर मैं दे हूं। कोई कर नहीं रहा, मैंने किया आपके लिए क्योंकि मुझे आपसे प्यार है, बस और कोई कारण है ही नहीं।